व्यापारी पिछले 25 वर्ष से यहाँ पर शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक PIL की आड़ में इन दुकानदारों को, इनके परिवारों को मारना चाह रहा है। कुछ ऐसी दुकानें सील कर दी हैं अतिक्रमण पॉल्यूशन के नाम पे, जो पेंट की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, उनके बच्चे आज स्कूल से घर बैठ गए हैं, उनकी फीस नहीं जा रही, वो लोग भूखे मर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इन दुकानों को रेगुलाइज कोई तरीका नहीं है दमन करने का। व्यापारी को दमन कर रहे हो, हम लोग क्या गुंडे हैं? आज अपना व्यापार छोड़े सड़क पर खड़े क्यों, किस लिए? हमारी को सुन नहीं रहा। यहाँ के पार्षद, विधायक, सांसद, VC, DM, उप मुख्यमंत्री सबसे मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी यहाँ पर। हम अपना काम देखें या आंदोलन करें, हमारी मजबूरी आज ये, कोई आश्वासन नहीं निकला। हम 7 जनवरी से अपना आंदोलन शुरू कर रहे थे, माननीय जनरल VK सिंह साहब ने हमें बुलाया 5 तारीख में, बोले आप आंदोलन मत करो, आपकी दुकानें जो सील हुई हैं उनको खोल दिया जाएगा, उन्हें खोल दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं, हमारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और फिर दुकानें वही की वही। GDVC साहब ने कहा मैं सील निकालूंगी जब तक आप एफिडेविट लिख के नहीं देंगे कि इन्हें रेजिडेंशियल में कन्वर्ट। VK सिंह तो आज आ भी रहे हैं, तो आपने वो अपने चुनावी अभियान के लिए आ रहे हैं, उन्हें हमारी चिंता होती है, हमारे बीच में आते हैं, अपना काम करा के करा लिए होते हमारे काम। ये प्रोटेस्ट आपका कब तक चलेगा? आप लोग इसको कब तक मांगे पूरी जाएंगे? जब तक ये दुकान सील हुई इनका खोला नहीं जाएगा, और ये दुकान सीले जो सीलिंग अभियान नहीं रोकेगा। मास्टर प्लान 2031 लागू करो, इन्हें रेगुलाइज कर दुकान। और अभी कुछ महीनों में चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, तो भुगतना पड़ेगा। क्या खामियाजा? सर ये व्यापारी वोट नहीं देगा, जो हमारी सुनेगा उसे वोट देंगे। आप मुझे ये बताओ, दिल्ली में 2200 कॉलोनी इलीगल है, सरकार तोड़ दे उनको, ऐसे तो इलीगल क्या नहीं है? देश की इतनी बड़ी आबादी है, आज इतना सरकार ने पहले साधन दिए, 20 साल में जो आदमी व्यापार कर रहा है वो 20 साल से इलीगल है, वो आज इलीगल का ध्यान आ रहा सरकार को, आज व्यापारी कहाँ जाएगा? उसका रास्ता निकालना चाहिए। दिल्ली में 351 सड़कें दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने नोटिफाइड करके उनको रेगुलाइज किया है। हम मांग कर रहे हैं, व्यापारी टैक्स दे रहा है, व्यापारी कन्वर्ट चार्ज दे सकता है, इनको रेगुलाइज करो, इनकी समस्या का सॉल्व करो, ये थोड़ी है इनकी सील कर दोगे आप। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर सीलिंग नहीं करे सरकार, तो फिर उनका ये कहना है कि यहाँ से वेहिकुलर पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक की समस्या होती है, तो उसको लेके आप में और फिर प्रशासन में कुछ बात हुई है? ऐसा है, हमने प्रशासन को समझाया है, पूरा गाजियाबाद आप देख क्या उससे बुरा हाल है, इंदापुरम की व्यवस्था बहुत सुधारी हमने, उन्होंने कहा था अतिक्रमण होता है, हम व्यापारियों ने हर बाजार की व्यवस्था सही करी, खुद यहाँ पे आपने देखा होगा बीच 2 महीने से हमने काफ़ी काम करा है कि यहाँ अतिक्रमण खत्म कर दिया, अतिक्रमण वालों को हमने खुद व्यापारी समझाया कि अतिक्रमण मत करो, अतिक्रमण एक मुद्दा है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसके हम भी खिलाफ हैं। एक्चुअली जो 35 शॉप सील हुई हैं वो सारी की सारी उन्होंने सबने अतिक्रमण ही किया था? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पेंट की शॉप भी है, वहाँ ब्यूटी पार्लर की शॉप भी है, बुटीक की शॉप भी है, वही हमारा झगड़ा है कि उसकी आड़ में अधिकारी, आप देखते हो GDM में बहुत भ्रष्टाचार है, हर अधिकारी पैसा कमाना चाहता है, शुरू से ही, अब से नहीं है, 20 साल से ही है, पूरा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है और सारे ही बल्कि मकर थोड़ी जितनी भी है कोई लगाम नहीं है। इन्होंने PIL के आड़ में व्यापारी को दमन करने का फैसला कर लिया है, जितना सील करेंगे उतना पैसा आएगा। अभी आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये आप लोग के वोट का डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा क्या ये मुद्दा? वोट का तो डिसाइडिंग उनको सरकार को समझ में आना चाहिए, आज व्यापारी पिछले जब से सरकार आई है, आप देखो ना, पहले इनका रहा नोटबंदी कर दी, नोटबंदी व्यापारी परेशान हुआ, आप ढोल पीटते रहे, आपने अच्छा काम कर दिया, कितने व्यापारी मर गए उसके अंदर, कितने बर्बाद हो गए, कितने कर्जा हो गया, व्यापारी को पैसा मिलना बंद हो गया। सरकार की सोच नहीं है, केवल बैंकों से व्यापारी का काम नहीं चलता, व्यापारी पैसा हमारी हिंदुस्तान की परंपरा है, व्यापारी बाहर से पैसा लेके भी काम करता है, लोगों का विश्वास हट गया, फिर आपने GST कर दी, इतनी कड़ी GST करी है, पूरे बड़े में ऐसी GST नहीं है, हर जगह सरकार का दोहरा मापदंड है। मेरे हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए, हमने जेटली साहब से भी मुलाकात करी थी, उन्हें समझाया भी था GST में सुधार करो, 29 काउंसिल मीटिंग होने के बाद भी GST अभी तक पूर्णतया सही नहीं है। ये प्रोटेस्ट आप लोग कब तक करेंगे? कब? ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम व्यापारी का दमन नहीं होने देंगे, हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखिए।